नमस्कार दोस्तों, आज के सफर में बजट ट्रैवलर चैनल आपको लेकर चलेगा पठानकोट से डलहौजी रोड ट्रिप पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि रोड कंडीशन कैसी है, कितना समय लगेगा, रास्ते में क्या क्या आने वाला है, कहां से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, कहां से आपको राइट टर्न लेना है, क्या डलहौजी तक आप अपनी गाड़ी को खुद ड्राइव करके ले जा सकते हैं, रास्ते में आपको पेट्रोल और डीजल कहाँ पर सस्ते दामों में मिलेगा, इसके बारे में ही बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरुआत करते हैं पठानकोट से डलहौजी रोड ट्रिप की। पठानकोट से डलहौजी की दूरी है 80 किलोमीटर। बस का किराया 150 रुपीज़ है और ट्रैवलिंग टाइम पर बस लगभग 3 घंटे का है। डलहौजी के पास जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पठानकोट का है, जो कि ऑल ओवर इंडिया से वेल कनेक्टेड है और डलहौजी से इसकी दूरी है 80 किलोमीटर। नियरेस्ट एयरपोर्ट गगल का है, जो कि डलहौजी से 107 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपकी गाड़ी सीएनजी पर चलती है तो आप अपने सीएनजी टैंक को पठानकोट से ही फिल करके आगे बढ़ें, क्योंकि पठानकोट से डलहौजी के बीच में जो रास्ता है वहाँ पर कोई भी सीएनजी स्टेशन नहीं है। इस समय तक हमने पठानकोट बस स्टैंड से पठानकोट बाईपास चौक तक 4 किलोमीटर की दूरी तय की है। पठानकोट बाईपास चौक से हमें बिल्कुल सीधे रोड पर चलना है 7 किलोमीटर तक। उसके बाद हमारी लेफ्ट साइड में आएगा ममून पुलिस स्टेशन, जहां से हमें लेफ्ट टर्न लेना है डलहौजी को जाने के लिए। अब आपको इसी रोड पर रहते हुए गाड़ी को ड्राइव करना है। पुलिस स्टेशन ममून कैंट से लगभग 6 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करने पर आप पहुँच जाएंगे बदानी में, और बदानी में है डलहौजी पब्लिक स्कूल। इस समय तक हम पठानकोट बस स्टैंड से तय कर चुके हैं 17 किलोमीटर की दूरी। जैसे ही आप पठानकोट से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं तो आपको अपने आसपास खूबसूरत पहाड़ और खूबसूरत वादियां दिखाई देने शुरू हो जाती हैं और आपको अपना सफ़र सुहाना लगना शुरू हो जाता है। इस समय हम जिस रोड पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं उसको कहते हैं नेशनल हाईवे 154A। नेशनल हाईवे 154A की कुल लेंथ है 167 किलोमीटर, जो कि चक्की पठानकोट से शुरू होता है और पठानकोट, बनीखेत, चंबा और भरमौर को आपस में कनेक्ट करता है। इस समय तक हमने पठानकोट बस स्टैंड से तय कर ली है 29 किलोमीटर की दूरी और हम पहुंच गए हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल धारकलां। अभी तक हमने जितना भी ड्राइव किया है हमें पूरे रास्ते में रोड कंडीशन बहुत ही बढ़िया मिली है। गवर्नमेंट सीनियर स्मार्ट स्कूल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है रणजीत सागर डैम की तरफ जाने के लिए रास्ता। हमें नेशनल हाईवे पर बने रहना है डलहौजी को जाने के लिए। जैसे ही हमने धारकलां को क्रॉस किया तो हमें अपनी लेफ्ट साइड में बहुत ही शानदार व्यू देखने को मिला। हमने जहाँ पर अपनी गाड़ी को रोका और जहाँ पर कुछ समय इंजॉय किया। इस समय तक हमने तय कर ली है 33 किलोमीटर की दूरी और हम पहुंच गए हैं होटल ब्रह्मानी में, जहां पर आपको खाने पीने के साथ साथ हैंडलूम आइटम्स भी मिल जाएंगे। अगर आपने इससे पहले पहाड़ों में अपनी गाड़ी को ड्राइव नहीं किया तो घबराने जैसी कोई बात नहीं है। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाने में सबसे बड़ा अंतर होता है स्पीड का। मैदानी इलाकों में आप आराम से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में आपको अपनी गाड़ी की स्पीड को 40 से 50 की रेंज में रखना है तो आप अपनी गाड़ी पर पूरा कंट्रोल कर पाएंगे। पहाड़ी इलाके में ड्राइव करते हुए आप अपनी गाड़ी का पहला, दूसरा और तीसरा गियर ही यूज़ करें, जिससे कि आपकी गाड़ी की पिकअप बनी रहे। इस समय तक हमने तय कर ली है 43 किलोमीटर की दूरी और हम पहुँच गए हैं अल्पाइन स्टॉक वर्ल्ड स्कूल में, जो कि एक रेजिडेंशियल स्कूल है। इस समय हम पहुंच गए हैं दुनेरा के बिल्कुल पास में। दुनेरा से बिल्कुल पहले जहां पर एक रास्ता है जो जाता है नूरपुर हिमाचल प्रदेश की तरफ। इस समय हम पहुंच गए हैं दुनेरा में, जो कि अपने खट्टे मीठे आम पापड़, अचार और मसालों के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में वेल फेमस है। की इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो दुनेरा है पंजाब में ही पड़ता है। अभी तक हमने जितना भी रास्ता तय किया है वो सारा का सारा पंजाब में ही पड़ता है। दुनेरा से पहले लगभग 2 से 3 किलोमीटर का जो रास्ता है थोड़ी खस्ता हालत में है, तो वहाँ पर आप अपनी गाड़ी को कम स्पीड पर ही चलाएं।
इस समय हम पहुंच गए हैं पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर, और जहां तक हमने तय कर ली है 49 किलोमीटर की दूरी। इसको हमें तय करने में लगभग 1 घंटा 30 मिनट का समय लगा है। जैसे ही हम हिमाचल में एंटर करते हैं तो हमें एक बड़ा ही क्लियर डिफरेंस दिखाई देता है दोनों साइड के रोड्स में, वो है रोड साइड रेलिंग और रोड मार्किंग का। पठानकोट से धुनेरा तक के पहाड़ी रास्ते में कहीं पर भी हमें रोड साइड रेलिंग और मार्किंग देखने को नहीं मिली। पठानकोट से जो डलहौजी का रास्ता है जहाँ पर टू वे ट्रैफिक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी लेन में ही ड्राइव करें। रोड के ऊपर जो वाइट ब्रोकन लाइंस है उसका मीनिंग होता है कि आप अपनी गाड़ी को दूसरी लेन में ड्राइव कर सकते हैं कि बशर्ते आपको आगे से क्लियर ट्रैफिक मिले। इस समय तक हम तय कर चुके हैं पठानकोट से 54 किलोमीटर की दूरी। हमें जहां पर बहुत ही शानदार व्यू पॉइंट मिला तो हमने जहां पर गाड़ी रोककर कुछ टाइम बिताया और फोटो क्लिक्स किए। इस समय तक हम तय कर चुके हैं 55 किलोमीटर की दूरी और हम पहुंच गए हैं तुनुहट्टी जहां पर है टोल बैरियर हिमाचल एंट्री के लिए। विजिटर कार की जो एंट्री फीस है वो है ₹50। जो 6 से 12 सीटर कार्स और व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री फीस है ₹70। इस समय हम हिमाचल की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में पंजाब के कंपैरिजन में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम हैं, तो आप अपनी गाड़ी का टैंक जहां से फिल करवा सकते हैं। यहां से कुछ ही दूरी पर और भी पेट्रोल पंप है, आप चाहें तो वहां से भी पेट्रोल फिल करवा सकते हैं। जहां से कुछ ही दूरी पर है रेस्टोरेंट रूट 154A जो कि एक बजट रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट रूट 154A से 500 मीटर की दूरी पर है अ हंगरी फूड पॉइंट रेस्टोरेंट। दोनों के बाहर अनफ पार्किंग स्पेस है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जहां पर ब्रेकफास्ट लंच और डिनर एंजॉय कर सकते हैं। जहां से कुछ ही दूरी पर है पठानिया ढाबा एंड फास्ट फूड रेस्टोरेंट। आपको नेशनल हाईवे पर और भी काफ़ी सारे बजट रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। इस समय हम पहुंच गए हैं हिमाचल प्रदेश के नैनीखड़ में और हमने जहां तक तय कर ली है 60 किलोमीटर की दूरी। हमें इसे तय करने में लगभग 1 घंटा 50 मिनट का समय लगा है। अब जहां से डलहौजी की दूरी है 20 किलोमीटर। जैसे जैसे आप डलहौजी के पास पहुंचते हैं तो आपकी लेफ्ट साइड में बहुत ही शानदार वैली व्यू दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो पहले अपनी गाड़ी को प्रॉपर जगह देखकर पार्क करें, उसके बाद ही फोटोग्राफी को एंजॉय करें। अभी तक हमने जितना भी ड्राइव किया है हमें रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी मिली है, हमें कहीं पर भी गाड़ी चलाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं भी पहाड़ी इलाके में बहुत ही कम ड्राइव करता हूँ, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आप भी पहाड़ी इलाके में आसानी से ड्राइव कर पाएंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब टर्न्स आएँ तो आप गाड़ी की स्पीड कम कर लें और गाड़ी को छोटे गियर्स में ही चलाएं। इस समय हम पहुंच गए हैं बनीखेत के बिल्कुल पास में, जहां से बनीखेत की दूरी है 2 किलोमीटर और डलहौजी की दूरी है 8 किलोमीटर। इस समय हम कवर कर चुके हैं पठानकोट बस स्टैंड से 72 किलोमीटर की दूरी, जिसे तय करने में हमें 2 घंटे 15 मिनट का समय लगा है। अब बात करते हैं कि डलहौजी में घूमने के लिए सबसे बेस्ट मंथ्स कौन कौन से हैं। अगर आप डलहौजी में स्नोफॉल का आनंद उठाना चाहते हैं तो आप जहां पर अपना टूर दिसंबर से लेके मार्च के बीच में प्लान करें। आप गर्मियों के महीने में सर्दी का आनंद उठाना चाहते हैं तो आप अपना टूर अप्रैल और मई में भी प्लान कर सकते हैं। रेनी सीजन को छोड़कर पूरा साल ही जहाँ का मौसम बहुत ही बढ़िया रहता है। इस समय हम पहुंच गए हैं बनीखेत के बस स्टैंड में। हमारी जो बाईं तरफ रास्ता है वो जाता है चंबा की ओर, जो हमारी दाईं तरफ रास्ता है वो जाता है डलहौजी की ओर, जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं डलहौजी में स्टे ऑप्शंस की। आपको जहां पर रहने के लिए होम स्टे, बजट होटल और 5-स्टार होटल भी जहां पर आपको मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अनुसार जहां पर होटल की बुकिंग करवा सकते हैं। एडवाइस ये है कि आप ऑनलाइन ऐप गो ओवीवो एगोडा मेक माई ट्रिप के थ्रू अपना होटल का रूम बुक कराएं। इन ऐप्स के थ्रू बुकिंग करवाने पर आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। होटल में फ़ोन करके आप अपने रूम की बुकिंग के बारे में भी कंफर्मेशन जरूर ले लें। डलहौजी एक कंटोनमेंट एरिया है, तो आपको जहां पर सिविलियन के साथ साथ
मिलिट्री पर्सनल भी देखने को मिलेंगे। डलहौजी शहर में आपको ब्रिटिश इरा का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। डलहौजी शहर को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1854 में अपने सैनिकों और ब्यूरोक्रेट्स के लिए एज ए समर रिट्रीट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया था। डलहौजी शहर का नाम उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी के नाम पर रखा गया था। अब बात करते हैं कि डलहौजी में घूमने के लिए कौन कौन सी प्रमुख जगह है। पंचपुला वाटरफॉल जो कि डलहौजी बस स्टैंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, ये बिल्कुल साथ में ही है गंजी पहाड़ी ट्रैकिंग। नंबर 3 पर है बीजीस पार्क जो कि बस स्टैंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बस स्टैंड से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। डैन कुंड पोलानी देवी मंदिर जो बस स्टैंड से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट खजियार जिसको मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है कि डलहौजी बस स्टैंड से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। इस समय हम पहुंच गए हैं डलहौजी के बस स्टैंड पर और हमने तय कर ली है 80 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 45 मिनट में। इस सफ़र को हम जारी रखेंगे और अगली वीडियो में मिलेंगे डलहौजी से खजियार रोड ट्रिप पर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। मन दिल दारा आसार।